नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है कार से संबंधित। तो मैंने एक फॉर्मूला शाइन का एक कार केयर किट खरीदा था। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं। तो मैं अनबॉक्सिंग स्टार्ट करता हूं इसकी, तो बिल्कुल आपको अच्छे से दिखाने वाला हूं आज मैं इसको यूज़ करके भी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मुझे यहाँ पर तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, ये आप देखिएगा, तीन प्रोडक्ट है। तो आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ। तो भाई ये देखिएगा, पहला प्रोडक्ट है यहाँ पे बॉडी कोटिंग एंड ग्लास लैमिनेशन, और इसी के साथ दूसरा प्रोडक्ट है स्टेन रिमूवर, तीसरा है यहाँ पे डैशबोर्ड शाइनर, ये आप देखिएगा। और यहाँ पे एक स्पंज भी मिला है जो डब्बे के अंदर था नीचे आने की। तो ये चारों प्रोडक्ट आप देखिएगा, ये चारों प्रोडक्ट हैं। तो भाई देखिएगा स्टेन रिमूवर, सबसे पहले आप एक स्क्रैच देखिएगा, ये कितनी बड़ी स्क्रैच है। और मैं इसको उंगली से ही अप्लाई कर रहा हूँ इस पर, देखिएगा मैं उंगली ही से ही इसको यूज़ कर रहा हूँ, और पूरी स्क्रैच पे मैं इसको उंगली से ही लगा देता हूँ स्टेन रिमूवर को। और 10-20 सेकंड के लिए ना भाई आपको अच्छे से इसको रगड़ना है। 30 सेकंड भी आप रगड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से आपको रगड़ना है। और ये देखिएगा, मैं इसको अप्लाई कर रहे थे, हम गाड़ी वॉश करी थी घर पर ही, तो सोचा कि एक वीडियो भी बना दें इसके लिए, आप लोगों को हेल्प मिल जाए, मदद मिल जाए इस वीडियो से कुछ। तो भाई देखिएगा आप, ये पेट्रोल पंप से भाई हमने लिया था, ये 1400 रुपये का था, लेकिन ऑफ़र में 1000 मोल भाव करते करते वो इसको 700 रुपये में उसने दे दिया था, भाई ने परचेज़ किया था। तो ये देखिएगा, अब आपको स्पंज से इसको अच्छे से साफ़ कर देना है, ये देखिएगा आपको अच्छे से साफ़ कर देना है इसको स्पंज से। और यहाँ पे अभी आपको स्ट्रेन नज़र आ रही होगी, और यहाँ पर एक चीज़ और अप्लाई होती है, वो है डैशबोर्ड साइनर। तो को आपको यहाँ पे अच्छे से आपको ये स्प्रे करना है डैशबोर्ड साइनर, और उसके बाद आपको यहाँ पे स्पंज से एक बार साफ़ कर देना है इसको। और ये देखिएगा, अब आपको यहाँ पे स्ट्रेन नज़र नहीं आएगी। तो काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है ये। तो अब देखिएगा डैशबोर्ड साइनर, तो भाई इसका दो जगह यूज़ होता है, ये धूप के कारण आपके डैशबोर्ड पे, प्लास्टिक एरिया पे, कहीं पे भी धूप के कारण और पानी के कारण वाइट वाइट सा हो जाता है, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ करिएगा। तो भाई मैं आपको क्या हकीकत बताऊँ यार, विश्वास के साथ बता रहा हूँ मैं, जो नया वाला लुक आता है ना गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड के शाइनर के बाद यूज़ करने के बाद, वो लुक आ रहा था इसके अंदर। ये देखिएगा आप कैमरे के अंदर, मैं जितना कवर कर रहा हूँ, हकीकत है भाई, बिल्कुल काफ़ी अच्छा लुक था इसके अंदर जो आया था। और ये देखिएगा, मैं अब यहाँ पर भी आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ इसको। और ये ना वो जब आप अगले नेक्स्ट टाइम यानी कि अपनी गाड़ी वॉश करोगे या करवाओगे कहीं पर भी, तो ये सब निकल जाता है, आपको दोबारा अप्लाई करना होगा। तो भाई ये देखिएगा, आपको इस तरह से आपको साफ़ करते रहना है स्प्रे करके। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने इसको यूज़ कर रखा है और कौन कौन इसको अब यूज़ करेगा, तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और भाई ये देखिएगा, आप चलते हैं इसके तीसरे प्रोडक्ट की ओर जो आता है यहाँ पर। और देखिएगा भाई, जो ये तीसरा प्रोडक्ट है, ये है बॉडी कोटिंग एंड ग्लास लैमिनेशन, मैं बोनेट वगैरह पे अभी मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले भाई मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको यहाँ पे मिरर यानी कि जो शीशा है इस पर यूज़ कर रहा हूँ फ्रंट का। ये देखिएगा आप, स्प्रे ये भाई आपको इस तरह से ही यूज़ करना है इसको। और आपके पास अगर कोई रुमाल हो, हैंकी वगैरह यानी कि जो टॉवल वाला होता है, ये तौलिया वाला रुमाल लेना है आपको यहाँ पर, और आपको इस तरह से इसको ऐसे साफ़ कर देना है। ये देखिएगा आपकी ना हल्की सी लैमिनेशन इस पर हो जाती है, कभी ये सोचो कि पन्नी वाली लैमिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस आपकी जो पानी की बूंदें वगैरह हैं वो नहीं जमने देता आपके शीशे पे, वो निशान नहीं होता। तो आप गाड़ी का लुक देखिए भाई। तो भाई मैंने अभी आपको दिखाया कि पूरे वीडियो में आपको दिखा दिया कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तीनों आइटम यूज़ करके भी दिखाया। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आप सभी को अगली नई वीडियो में।